बनगांव की एक और ख़ासियत है सहरसा ज़िले में और इसके अगल बगल के पूर्णिया ज़िले में भी कई ब्राह्मण रहते हैं जिनका सरनेम खां मिलता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? आप जब हमें गांव वालों ने बताया कि ये जो बाबा हमारे साथ हैं इनका नाम मणि खान है, तो हमने पूछा कि क्या कहानी है, इन्होंने एक दिलचस्प सी कहानी सुनाई, आप भी सुनिए। बाबा, आपके नाम में खान होने की क्या कहानी है? मेरे नाम में खान की कहानी है जो हमारे 18 पुस्त 20 पुस्त जो पहले थे वो दंतकर झा का संतान थे, झा कहलाते थे। हम लोग यहाँ पर अल्पसंख्या में थे, हमारे पूर्वज। ये बनगांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, मुगल सम्राट का यहाँ पर कचहरी था, उस कचहरी में उसका अमला फमला दफेदार सब सूबेदार सब रहा करते थे। यहाँ से दिल्ली दरबार में रेंट जाता था, हम लोगों से वसूल करके रेंट वहाँ भेजा करता था। लेकिन दिल्ली दरबार के जो यहाँ पर जो थे अमला फमला वो थोड़ा उच्छृंखल था, बदमाश था, बेवकूफ़ था, वो व्यभिचार करने पर अति तुला हुआ रहता था। यहाँ तक कि जो अच्छा लड़की से उस शादी करना चाहता था जिसका विरोध होता रहा। विरोध के दरमियान में हमारे पूर्वज लाचार होके उसको कहा जो ठीक है, हाँ शादी होगी, अमुक तारीख को होगी, अमुक दिन में होगा। तय के दरमियान में एक जगह 5-7 बीघा के अंदर में टेंट लगाया गया, उस टेंट के भीतर में उस बारात को सजाया गया, लाया गया, बारात को शराब दारू से पिला के मस्त कर दिया, उसके चारों बगल करची कांट सूखा लकड़ी इत्यादि से चारों बगल पूरा से पूरा एकदम से अथी हो गया, घेराबंदी हो गया, उस पर मटिया तेल का छिड़कन हो गया। अब देख लिया कि जो वो लोग एकदम मस्त पड़ा हुआ है तो उसके चारों बगल में आग लगा के चारों बगल में 25 आदमी इस बगल उत्तर, 25 आदमी पश्चिम, 25 आदमी दक्षिण, 25 आदमी पूरब तैनात है, वो तलवार लेके हाथ में। हमारे पूर्वज जो थे सो बहुत बलिष्ठ थे, बहुत हद से ज़्यादा बलिष्ठ थे और तागड़ा थे, लंबा खड़ा चौड़ा इत्यादि में वो थे। चारों बगल तैयार हो गया, लगाया उसमें आग, आग लगने के बाद उसमें धधकने लगा, धधकने के बाद वो लोग निकलने लगा, उसको तलवार का वार किया गया, मार के फिर उसी में दे दिया गया। इसी प्रकार सब नाउल्द हो गया, कचहरी नाउल्द हो गया। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है जो इस कचहरी का तहसीलदार जो थे अब तो नहीं है, अब दिल्ली सम्राट को ये रेंट जाएगा कैसे? झा मिसर कह के तो नहीं जाएगा, उसका तो था फिरोज खां, अफजल खां इत्यादि नाम पर उसका टैक्स वहाँ जाता था, वहाँ रजिस्टर पर था जो अमुक जगह का सूबा नंबर 17 का फिरोज खां यहाँ पर टैक्स लेके खड़ा है। रजिस्टर उल्टाया गया, देखा जो हाँ सही फिरोज खां सूबा नंबर इतना का आ गया है, तो वही यहाँ पर जो बच गया हमारा हिंदू में ब्राह्मण समाज वो फिरोज खां का टाइटल ले लिया। और फिरोज खां का टाइटल लेके दिल्ली सम्राट में गया, टैक्स को जमा करके पुनः फिर चला आया। दिल्ली सरकार समझ गई क्या जहाँ हमारा आ गया टैक्स वहाँ से? अच्छा, झांसा देने के लिए कि नाम बदल लिए, अपने साथ खान जोड़ लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू कुमार खान हुआ। छोटू कुमार खान, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ राजा का शासन था तो दो गो मुंशाराम खां
अब पलस को अजोधी खां था, तो वो दोनों यहाँ रहते थे राजा के पास। एक दिन हम लोग के बीच में लड़ाई हुआ बाहर से, तो राजा को मार दिया गया। तो जब राजा मर गया, ये लोग बाहर चल गए थे, उसका नौकर चाकर में हम लोग रहते थे, ब्राह्मण समाज हम लोग झा है। तो जब राजा मरिए गया, तो उसका पत्नी बोला जो नहीं, हम लोग यहाँ के, हम तो राजा मरिए गया, आप लोग को ये गांव छोड़ के दे देते हैं। तब हम लोग को चैचिल दे गया खां का। वो एक अलग कहानी सुना रहे हैं, बाबा ने एक अलग गाने सुना रही है। लोगों का कहना है कि बाबा बुजुर्ग हैं, बाबा ने सही कहानी सुनाई है। जी जी, आपका एक, जी जी, इस कहानी के पीछे आपका एक, आपकी एक अलग व्याख्या है। बाबा लोग कह रहे हैं कि सबसे बुजुर्ग गांव में आपके यही हैं, तो इन्हें ज्यादा पता है। हाँ जी जी जी, मैं समझ गई। अब बाबा को अपनी कहानी, जी मैं समझ गई। एक मिनट में बाबा से पूछ। अब बीच में तो ये उछल गया, ये तो बीच में, इसको तो ओनामासी भी नहीं समझ में आया। हाँ, इसके बाद अब दिल्ली सम्राट के यहाँ जो फिरोज खां यहाँ से गया, नाम है गजेंद्र झा। अच्छा। लेकिन वो ले लिया फिरोज खां। फिरोज खां बन के जा रहा है, गजेंद्र झा बन के नहीं जा रहा है, नहीं तो पकड़ा जाएगा। ओ बाबा, और आप क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, आपकी सुन ली, अब एक बाबा को कहानी खत्म करने दीजिए। अब हम झा बन के तो वहाँ नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे खां बन के। फिरोज खां है, फिरोज खां जो उसका सूबेदार है यहाँ, उस सूबेदार यहाँ से टैक्स भेज रहा है। तो हम फिरोज खां के नाम से गए, वहाँ हम अपना इतला दिए। हम मतलब जो तब के लोग थे यहाँ के, जी हाँ, आपके पूर्वज, जी। तो तभी से फिर उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी खान को सरनेम रखा अपना। हम लोग ढोते आ रहे हैं। अब क्या बात हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों का गोत्र जो है सो कात्यायन है। अब खां के, अब मान लीजिए हम चला गया उत्तर प्रदेश या कहीं और जगह, तो जब हम कहते हैं जो मेरा नाम है मनी खां, हैं आप मुसलमान हैं? जी नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू में भी हम मैथिल ब्राह्मण हैं। तो हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको। अब हम लोग क्या सोचे, नहीं अब मनी खां नहीं, मनी कात्यायन, ये हम लोग धीरे 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 अब बदल रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जब आप दूसरे जगहों पर जाते हैं और उन्हें ये कहानी नहीं पता होती, तो वो आपको मुसलमान समझ के आपके साथ अलग तरीके का बर्ताव करते हैं। महाराष्ट्र में एक पांच आदमी बैठा हुआ है, छठा हुआ, अगर यहाँ से जो एक आदमी जो बैठा गया, पूछा कि क्या नाम हुआ, तो फलां खां, उसको वहाँ से हटा दिया। तब उसके बाद वो कहता जी नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम मैथिल ब्राह्मण हैं। जब वो एक्सप्लेन किया मैटर को, इतना एक्सप्लेन तो उसको नहीं था समझ में, तो थोड़ा अच्छा ठीक। मतलब खान सरनेम के कारण या मुस्लिम समझ लिए जाने के कारण आप लोगों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है। फिर कभी दिमाग में आता है क्या, कभी ख्याल आता है क्या कि मुसलमान होने की वजह से, मान लीजिए आपके पास ये आधार है कहने के कि नहीं आप हिंदू हैं या आप ब्राह्मण हैं, जो भी आप अपनी जाति बताना उचित समझें, धर्म बताना उचित समझें, लेकिन उस वक्त कभी मन में आता है क्या कि अरे हमको, हम इंसान ही तो हैं, हमको आप देखो कोई और धर्म का समझ के, मुसलमान समझ के हमको बीच जगह से उठा दे रहे हैं या हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तब हिंदू है, हमको मुसलमान समझ के हटा देते हैं। अगर ऐसा किसी मुसलमान के साथ होता हो, मान लीजिए आप भी, आपका खान ही सरनेम होता, ये कहानी नहीं होती उसके पीछे, आप मुसलमान ही होते, तब कभी ऐसा ख्याल आया कि अरे ये गलत है, नहीं हटाना चाहिए धर्म या जात पात के नाम पे, ऐसे अलगाव नहीं करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, ऐसा कभी आया मन में? वो तो हम लोग क्या जानेंगे, हमारा पूर्वज जो है इतातुल है, हम उनका दिया पुता है, हम क्या कहेंगे, ये जो कहेगा यही नहीं कहेगा। हम लोग उतना मालूम नहीं है। अब भक्ति में जाते हैं। सुनो, अब हमारे नौजवान जो कुछ है बनगांव के, जो पढ़ा लिखा नौजवान जो है, वो थोड़ा सा अब अपने बच्चे को
अब आज के वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय के जो नौजवान है सो अपने बच्चे को गौतम कात्यायन लिखाता है। अच्छा, मतलब इसी वजह से कि आपके मुस्लिम समझ के आपके साथ भेदभाव होता है तो आप लोग अपना वो खान सरनेम छोड़ रहे हैं, कात्यायन लगा रहे हैं, जैसा आपने बताया आपके गोत्र की वजह से। ये झा भी लगाते हैं। जी मैं समझ गए, गौतम कात्यायन झा जैसा, या तो गोत्र। अरे झा भी होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे परमहंस जो यहाँ है हमारे ही गोत्र के हैं, कात्यायन गोत्र के हैं, झा कहलाते हैं, तो हम लोग भी झा का भी टाइटल ले लेते हैं। ये हम जिस छतरी के नीचे बैठे हैं इसके ऊपर नाम लिखा था ख्याली खान, ये कौन जनाब थे, ये कौन थे ख्याली खान? ख्याली खान जो थे हमारे वो नवम पीढ़ी है। आपकी नवी पीढ़ी जो बीत चुकी, पूर्वज थे आपके? हाँ। अच्छा, ख्याली खान। अच्छा, हमको ये लोग बता रहे थे अभी पीछे बहुत मशहूर मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? ये है लक्ष्मी नारायण कुटी। लक्ष्मी नारायण कुटी, हमको लोगों ने बताया कि बनगांव इधर के इलाके का सबसे बड़ा गांव, और ये बनगांव का हाईलाइट, ये जो मंदिर है इसकी सबसे मशहूर जगह, इसकी सबसे मशहूर पहचान। फिर हमको लोगों ने एक और बात बताई इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे हिंदू तो आते ही हैं, हमको पता चला कि यहाँ मुस्लिमों की भी बसावट है, तो उनका जब ताजिया वगैरह निकलता है तो वो भी यहाँ पे आते हैं और आप लोग उनकी भी पूजा कर देते हैं? जी नहीं, यहाँ नहीं आते हैं। उनकी ताजिया जो था उसका इनबारा जो जहाँ जहाँ था, इमामबाड़ा जो था वहाँ पर वो लाता है, अपना लाके घुमा के फिर चला जाता है। नहीं, एक अभी आपके आपसे पहले वो अंदर चले गए, वो बता रहे थे, बाबा एक है वो बुजुर्ग वो भी थे, वो बता रहे थे कि वो भी आता है और हम लोग उसका भी पूजा कर देते हैं। पूजा कर देते हैं इस कैंपस के बाहर, चढ़ाते हैं हम लोग, चढ़ा देते हैं। अच्छा, इस कैंपस में नहीं घुसते, कैंपस के जो ड्योढ़ी है वहाँ तक आते हैं। हाँ, गाँव में, बस्ती में, बस्ती में, और आप लोग भी उसमें चढ़ावा देते हैं। हाँ, ले जाओ, तुम ये मत समझाओ कि हम उससे ये विपरीत है। हाँ, हम तुम जो है मानव है, मानव के दृष्टिकोण से हम लोग भी उसको साथ देते हैं, उसको हे दृष्टि से नहीं देखते हैं, यही है। और क्या खासियत है बनगांव की? हमने सुना यहाँ पे क्या है बनगांव के, ये हमारे जो है विद्वान इसको ये भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमको शायद ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग हमें बता रहे थे, अब हमें धर्म जो यहाँ धर्म सभा लगती है उसके बारे में बताएंगे। बनगांव में हमें लोगों ने बताया कि पिछले 135-137 सालों से, हर 121 साल से, अच्छा हमारी जानकारी थोड़ी गलत थी, 131 सालों से यहाँ धर्म सभा लगती है हर रविवार को। क्या कहानी है उसके पीछे? उसका नाम है सर्वोपकारिणी सनातन धर्म सभा के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाबू बबुआ खां इस धर्म सभा के संस्थापक थे, उन्होंने यही धर्म की एक ठो सभा आरंभ की थी जो आज तक अनवरत प्रत्येक रविवार को यहाँ चलता आ रहा है, जिसमें पुराण की कथा होती है, भजन कीर्तन होता है और निर्णय सब जो होता है धर्म का या किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस धर्म सभा के माध्यम से उसका निर्णय होता है यहाँ। कैसा धर्म का मुद्दा, जैसे अगर आप कोई उदाहरण दे सकें, कैसे धर्म के मसले, कि कोई चीज़ धार्मिक है या नहीं है, या फिर धर्म से जुड़ी कोई हमारे दिमाग में क्वेरी आई है ना, दिमाग में कोई जिज्ञासा उठी, जिससे सवाल उठा, उसका निदान होता है? उस चीज़ का निदान होता है यहाँ। अच्छा। यदि किसी तरह का, जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक केस हुआ था यूपी में, यूपी हाई कोर्ट में केस आया था, उस केस का धर्म से ही उसका निर्णय देना था, तो हाई कोर्ट यूपी से लेटर आया था यहाँ, उसका निर्णय इसी धर्म सभा से दिया गया था लगभग 20 साल पूर्व। कौन सा केस था, कुछ बता पाए? हाँ, वो था जो कोई आदमी मर गया था उसका संस्कार कैसे होता, उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो जिसका पुत्र था उसका पिता कोर्ट में जाकर के केस कर दिया कि मेरा पुत्र का श्राद्ध कर्म सही हुआ कि नहीं हुआ, इसके चलते वो चला गया न्यायालय। न्यायालय को इसका कहाँ से ज्ञान होगा, तो
वो हर जगह से जितना संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ के विद्वानों से निर्णय लिया था। उसके बाद जब उनको पता चला कि बनगांव में धर्मसभा चलता है तो वहाँ से एक लेटर यहाँ भी आया था, उसी का निर्णय यहाँ से गया था यूपी हाईकोर्ट को। अच्छा, आप लोगों, आपका कहना है कि आप लोगों ने उस मामले में बताया कि ये निर्णय होना चाहिए? ना, उसके ग्रंथ के आधार पर हम लोग ने बताया। अच्छा, यहाँ उतना ग्रंथ रखा हुआ है, उतना पुराण रखा हुआ है, वो मौखिक ने मांगा था कि इस पुराण के अंतर्गत ये आप निर्णय दिए हैं, उस ग्रंथ का क्या नाम है, उसका लेखक क्या है, कितना श्लोक नंबर है, पेज नंबर क्या है, सारा डिटेल लिखित लिया था। तो जब आपने ये बताया, ये वाला मामला हुआ और आपने बताया कि कोई विवाद होता है उस पर भी धार्मिक आधार पर या धार्मिक, 5 साल पूर्व छठ पर्व होता है ना, विश्वविद्यालय पंचांग मिथिला में चलता है, दरभंगा से प्रिंट होता है, उसमें छठ पर्व का निर्णय गलत प्रिंट कर दिया था। अच्छा, तो विश्वविद्यालय को लिखा गया था यहाँ से, तब वहाँ से VC उसका विभागाध्यक्ष सब जो पत्रा निर्माण करता है वो सब आया था यहाँ निर्णय के लिए। हाँ, उन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, गलती हो गया हम लोगों से। जन्माष्टमी किस दिन पड़ती है, किस दिन नहीं पड़ती है, साल का पर्व या इस तरीके का पर्व किस दिन पड़ता है, किस दिन नहीं पड़ता है, इस तरह के मामले जब आप हमें लोगों ने बताया कि आपके यहाँ जब कोई झगड़ा झंझट होता है ऐसे तो भी बड़े लोग बैठते हैं और ज्यादातर मामले ऐसे, यही स्थल है, यही इसी ख्याली डिसीजन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, तो वो भी, वो क्या सामाजिक स्तर पर निर्णय होता है या वो भी धार्मिक विवेचना के आधार पर? बाबा को निर्णय सामने मतलब रख करके लिया जाता है। अच्छा, इन्हें साक्षी मानकर निर्णय लिया जाता है। तो मेरा ये सवाल था कि वो भी सामाजिक आधार पे होता है कि अच्छा तुमने ये किया, तुमने ये किया, अच्छा ये करके सुलह कर लो, ऐसे होता है, या फिर धार्मिक वो है, जगह है, स्थल है, तो धार्मिक आधार पर विवेचना करके भी झगड़े का निपटारा होता है? तो सिर्फ धर्म का निर्णय होता है, यहाँ समाज का निर्णय, यहाँ समाज का निर्णय होता है। अच्छा अच्छा, धर्म से जुड़ी जो कोई भी मामला है, बातचीत है, वह धर्मसभा में निर्णय होगा। आपसी जो द्वंद्व विभेद है, मतभेद है, उस सब निर्णय यहाँ होगा, ये इसके हाँ। नीचे यहाँ जो बाबा बताए आपने, हाँ। ये कौन है, ख्याली बाबा ही है? नहीं, ख्याली खां संत थे जो यहाँ रहते थे, उसी के समय में लक्ष्मीनाथ गोसाई यहाँ आए थे, जिनके नाम पे ये पीछे मंदिर है। नहीं, मंदिर ही है, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ भी मंदिर है, और उनको 4 शिष्य थे प्रमुख, जैसे मोहम्मदन में गोस खां भी इनका शिष्य थे, क्रिश्चन में मिस्टर जॉन साहब इनके शिष्य थे, राजा राम शास्त्री प्रयाग ब्राह्मण इनके शिष्य थे, और तरुणी रघुवर गोसे इनके शिष्य थे, मधुबनी जिला, इनके 4 प्रधान शिष्य थे। अच्छा, तो ये थोड़ा इंटरेस्ट है इस बारे में कि आप लोग बैठते हैं यहाँ, समाज जुटता है, आपस में जो भी मुद्दा होता है वो सुलह हो जाती है, उसमें महिलाएं भी होती हैं क्या, उनकी भी भागीदारी होती है, पुरुष पुरुष बैठ के फैसला करते हैं? नहीं, पुरुषे में हो जाता है, महिला यहाँ इस गांव में उतना नहीं है, महिलाएं है नहीं, कम नहीं, है? नहीं, महिला मतलब हम लोगों के यहाँ पंचायत में जल्दी नहीं आता है वो लोग, हम लोग पुरुषे में कर आवश्यकता पड़ने पर भी आता है। कैसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुछ बता सके? मान लीजिए, हाँ, कोई विवाद हो गया, उसका जैसे साक्ष्य लेना है गवाही के लिए, या अगर वो एक पार्टी हो उस लड़ाई में, वो एक पार्टी, हाँ, तो अपना बयान देने के लिए आ जाए, लेकिन फैसले में आप लोग शामिल नहीं करते? ना, वो संतुष्ट हो जाता है, निर्णय से यहाँ संतुष्ट हो जाता है, इसलिए वो लोग भी वहाँ उसमें बैठवे नहीं करेगा, वो खुद से ही नहीं बैठेगा। हम होते गांव में और हम होते एक बुजुर्ग, तो हम पक्का कहते कि हम यहाँ बैठे। देखिए, ये ब्राह्मण का विशाल बस्ती है, हमारे समझ से भारत में इतना बड़ा बस्ती ब्राह्मण का कहीं नहीं है, ये 3 पंचायत का गांव है और 4th पंचायत का फिर गया है लिख के, हो सकता है अगले साल अगला जो गत इलेक्शन होगा 4th पंचायत ना बन जाइए।
अच्छा, इलेक्शन का जिक्र आपने ही कर दिया, हम चुनाव यात्रा के मकसद से आए थे, अलग अलग जगहों पर इलाके की जो विशिष्टताएं हैं वो भी दिखाते हैं लोगों को और इलेक्शन पर भी बातचीत करते हैं, है ना। क्या है आपका ये जो बनगांव है वो सहरसा विधानसभा सीट में आता है, सहरसा मेन में लवली आनंद प्रत्याशी हैं, राजद ने उतारा है, पिछली बार भी राजद के अरुण यादव ने ये सीट निकाली थी और उनके मुकाबले थे आलोक रंजन झा बीजेपी से, वो हार गए थे, तकरीबन 40,000 वोट से हार गए थे। एक बार फिर बीजेपी ने आलोक रंजन झा को टिकट दिया है और लवली आनंद तो खड़ी ही हैं। बताइए, पिछले जो कार्यकाल था पिछले विधायक का अरुण यादव का, कैसा रहा कामकाज उनका? इस गांव के लिए तो मतलब माइनस 100% मान लीजिएगा तो वो भी अच्छी होगा। अरुण यादव का कार्यकाल खास करके इस तीनों पंचायत के लिए माइनस में उसका मार्किंग कीजिएगा तो वो भी अच्छे रहेगा। कभी पहचानते हैं, विधायक है हम लोग का, पहचानता ही नहीं है कोई, कोई देखा भी नहीं है जो कैसा हम लोग का गांव है। 5 मिनट के लिए यहाँ नहीं है, इस गांव में कोई चेहरा से भी नहीं जान सकता इस गांव का आदमी कि विधायक है। आपने कहा अगर आप किसी से पूछें वो कामकाज बताते हुए कि ब्राह्मणों का गांव है, आप नहीं जिक्र करना चाहते हम अपनी तरफ से जाति का, लेकिन यही सच्चाई है बिहार में। अब अरुण यादव यादव है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों के गांव की तरफ नहीं ध्यान देते, क्या जाति का एंगल है? क्योंकि ये तो शब्द जाति से जुड़ा है ना, कि ब्राह्मणों का गांव है इसलिए। पप्पू यादव सांसद है ना, वो तो बार बार आते हैं, वो कहाँ ब्राह्मण का कह करके नहीं आते हैं गाँव। तो राजद की तरफ इशारा है क्या कि राष्ट्रीय जनता दल के मतलब राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि है, वो लोग जानता है कि लोग राजद के विरोध है। अच्छा, कि ये राजद के वोटर नहीं है? हाँ, ये गांव जो है सो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यहाँ रमेश झा मिनिस्टर हुआ करते थे, उसे कदावर नेता इस गांव में फिर नहीं हुआ, बीजेपी का मतलब कांग्रेस का अंत होता चला गया, बीजेपी उभर के सामने आया, तो लगभग 90% लोग बीजेपी समर्थन है यहाँ के। अगर मैं आपकी बातों को इंटरप्रेट करूं, थोड़ा इसको समझूं, सरल शब्दों में इसको अनुवादित करूं, तो मतलब होगा कि ये जो ब्राह्मणों का गांव है जिसमें 3 पंचायतें हैं, वो पहले कांग्रेस के वोटर थे और अब वो बीजेपी के वोटर हैं, ये तय है, ठीक है? ये तय कैसे हुआ? नहीं, इसलिए कि नेता विहीन हो गया इस गांव के, रमेश झा थे इस गांव में, अब नेता है नहीं। रमेश झा के बाद उनका लड़का एक बार कांग्रेस से जीते, उसके बाद वो सतीश झा थे, वो चले गए, अब तो दुनिया में है भी नहीं। ऑपरेशन भए गेलै ने है एक साइड, कैंसर जो कौन भए गेलै ने रहे, कैंसर जी अभी जिंदा है। अच्छा, बोकारो में रहता है। हाँ। तो ये कैसे तय हुआ? जैसे बाबा आपने कहा, हम इसको थोड़ा समझना चाहते हैं, थोड़ा हमको समझाइए कि ये जो पॉलिटिक्स है, तो अब राष्ट्रीय जनता दल है, आपने कहा कि ब्राह्मणों का गांव है नहीं ध्यान देते, ठीक है, चलिए ये आप कह रहे हैं। फिर आप लोगों ने ये कहा कि ब्राह्मणों का गाँव है, हम पहले कांग्रेस के वोटर थे, अब हम बीजेपी के वोटर हैं। मैं मतलब ये कोई रहस्य नहीं है, ऐसा जब भी आप चौक चौराहे पे बात कीजिएगा तो लोग आपको जाति का समीकरण समझाते हुए बता देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि इससे होता क्या है, कि क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, एक खास पार्टी है, उसको आप नहीं वोट देंगे, वो आपके लिए कभी विकल्प नहीं होगा, और एक पार्टी है जिसके साथ आप परंपरा से जुड़े हैं, क्यों आपको लगता है वो फॉरवर्ड की पार्टी है और वो बैकवर्ड की पार्टी? हाँ, हम कहते हैं उसमें राजद का जब विधायक होता है तो इस गांव में एक पैसा डेवलपमेंट नहीं होता, इस तीनों पंचायत में छांट के ही चलता है, छांट के चलता है, नहीं समझे, इससे वोट नहीं लेना है। जो यहाँ से जीत के आता है ये गांव का कोई कुछ नहीं करता, जो है ना बीजेपी वाला है ना आलोक सर, कोई गाँव को बाईपास एगो आवश्यक, अति आवश्यक है। आज तक कोई मिस्टर नेता रमेश झा के बाद हम लोग नेता विहीन हो गए तो किसी को दे देते हैं, नहीं समझे, किसी को दे देते हैं मतदान करना है जिसको, क्या उसमें जाति सोचते हैं? जाति क्या लेंगे, जाति उती हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, नहीं समझे, क्या जाति दिमाग में रहती है? हम लोग जाति भी जाति छोड़ के, फिर ये ब्राह्मण यादव वाली बात कहाँ से? हम लोग ज्यादा ब्राह्मण नहीं करते, नहीं सर, हम कहते हैं आपको इस गांव में यादव, राजपूत और भूमिहार, 3 कास्ट का लोग नहीं है इस गांव में,
और सब कास्ट है इस गांव में, उसका थोड़ा थोड़ा जनसंख्या है, 100 घर है, 50 घर है, 100 घर है। यही क्या, जब आपने बताया बहुत सारे मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, जो हाशिए पर पड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ गई थी रेस में उसकी, उसमें वो भी जातियां हैं आपके यहाँ, ठीक है, शोषित वर्ग जो है वो है, ये बताइए कि जब ये होता है आपके इस छत के नीचे, ये ख्याली खां का जो ये छत है इसके नीचे बैठकर, बंगला इसके नीचे बैठकर जब आप लोग पंचायत करने जुटते हैं, तब क्या उसमें वो जातियां शामिल होती हैं? हाँ, होती हैं। हाँ, क्या उस धर्मसभा में सब बैठता है? एक रोज आप इतवार रविवार को आइए, 3 बजे से आरम्भ होता है धर्मसभा, 50% वही रहता है बैठा हुआ उसमें। चलिए, ये अच्छा है कि मतलब सबका पार्टी। गांव में तो होली होता है ना, होली मोहम्मदन भी होली खेलता है, मोहम्मदन भी होली खेलता है। हम लोग जाति विहीन में मतलब उस सब में चलते हैं, तब मान लिया मतलब पार्टियां समझती हैं, जातियों में बांटती हैं, आप लोग नहीं बांट के। यहाँ जो है ना, सभी जाति भाई भाई मिल के रहते हैं, मान लिया कभी कभार तो समाज है तो सब अपनों जाति में हो जाता है, लेकिन हम लोग भाई भाई लेके चलते। नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर हुए थे ना, नीतीश कुमार, तो 1 किलोमीटर पहले उनका रसोई का जो काम करता था उनके डेरा पर, उसके शादी में आए थे बनगांव, नीतीश कुमार आए थे। हाँ, 2005 की बात कर रहे हैं, पहला बार बने थे 5 नहीं 15 का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पिछला टर्म जब जीते तो यहाँ आए थे, जो उनके जी हो 1 किलोमीटर पूर्व था वो, आगे उसका घर, सब लोग उनके वहाँ गया हुआ था, वो भी नीचे कास्ट का था, सब लोग उन, हाँ सब लोग नीतीश कुमार से आग्रह किए, DM SP तो मतलब डर गया, सावन का महीना था, पानी गड्ढा भरा हुआ था, रोड खराब था, वो कहा कि नहीं, जब ऐसा बाबा का कुटिया है तो हम पैदल जाएंगे, 1 किलोमीटर पैदल चल के इतना तक थाल कीचड़ पैजामा में लगा हुआ था उनको, यहाँ आकर के प्रणाम पाती किया था, उसके पीछे कम से कम 2000 आदमी लगा हुआ था साथ में। तो जब इतना में आए नीतीश कुमार, थाल मिट कीचड़ में लग के आए, तो आप लोगों ने दिखाया नहीं कि इसी में तो हम रोज चलते हैं? वो खुद पैदले चल के आया था। जब पैदल आए हैं श्रीमान, उनको दिखाने का क्या हुजूर है? हमारे इधर कहते हैं, मैथिली में कहावत है, आप कहूँ मन केहन लगी है, कि आप बताइए कैसा लग रहा है, तो एक बार पूछते मुख्यमंत्री जी से कि इसमें तो हम लोग रोज चलते हैं। ये आपकी काम है हुजूर, ये तो आपकी काम है, हम लोगों आर्य में DM को पानी उतर गया, यही कहकर गुस्साए बहुत ज्यादा। उसी साल ढलाई वाला काम जो है, ढलाई वाला काम चौक से लेकर के यहाँ तक, ऐसा हो अगर कि कच्ची सड़क हो कीचड़ में 1 करोड़ रुपया, अगर ऐसा हो कि इस तरीके से किसी शहर या गांव को पक्की सड़क मिलनी हो, तब तो नेताजी औरों को नौता दे देना चाहिए और उनको बरसात में बुला लेना चाहिए, सब गांव को मिल जाएगा सड़क। तो शादी था, वो आएगा नहीं, नहीं आएगा, विशेष प्रयोजन था तो। हाँ, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सुपौल के हैं ना, वो आते तो यहाँ आते हैं, वो भी तो जादवे हैं, दिनेश चंद्र यादव सांसद है ना, पहले विधानसभा से नहीं थे, उद्योग मंत्री, वो भी आते हैं यहाँ बैठते हैं। आप लोग के नज़र में आपका कहना नहीं है पार्टियाँ करती हैं कुछ, ये कह रहे हैं आप? जाति फीलिंग नहीं है। लवली आनंद कैसी प्रत्याशी है? प्रत्याशी तो ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है थोड़ा बताएं। हाँ, वोट उसको यहाँ भाजपा को बहुत ज्यादातर मिलेगा। नहीं, उसमें क्या खासियत है, क्या अच्छा काम से नाखुश है सीधा सर में मानिए, इसलिए कि 15 साल उसका शासन देख चुके हैं आदमी, जंगल राज फिर नहीं लाना चाहते हैं, एक चीफ मिनिस्टर 10वां पास होगा कौन स्वीकार करेगा। अच्छा, एक बात बताइए आनंद मोहन, तो आप ही लोग के उधर पड़ोसी था ना? पंचवर्षीय में तो मतलब अरुण यादव जीते हुए थे, आज तक चेहरा नहीं देखे हैं। जी जी, लोगों ने बताया। एक सवाल है, पनगछिया, हम उधर से ही आ रहे हैं, पनगछिया हुआ गांव आनंद मोहन का, वहीं का रहने वाला था, जेल में है, तो
उस दौर का कुछ याद है? सुने बड़ा लड़ाई वड़ाई चलता रहता था इधर उधर, कुछ बताइएगा किस्सा कहानी। उनके लड़का को उठा करके एसपी फेंक दिया था, बनगांव से 5,000 युवा गया था पंचगछिया, उसके सपोर्ट में, आनंद मोहन के सपोर्ट में गया, अपराधी के सपोर्ट में। अपराधी बच्चा को जो उठा करके फेंका, बच्चे को उठा के फेंका। अच्छा अच्छा, जी जी जी, गलत था। जो बच्चा तुमने क्या किया, जो बच्चा को उठा करके तुम पिगा है, जो अभी सिवाल से इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, वो बच्चा बड़ा हो गया। अच्छा, बड़ा हो गया विधायक की रेस में। हाँ, उसी को बचाने के लिए यहाँ से 5,000 आदमी पहुँचा था वहाँ। हम पूछ रहे हैं, ये किस्सा बताया, और कुछ किस्से बताएंगे? जब आनंद मोहन का दौर था तब उस दौर के कुछ किस्से बताएंगे, कुछ कहानियाँ। ऐसे होता है, बहुत अच्छा था, ऐसे होता है, तो वक्त का तगाजा है। बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा नेता, तो क्या था, वक्त का तगाजा था, उस समय में वही होता था। जो नेता वो बहुत बड़े नेता, उसके जो पिता थे, दादा थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। वो तो थे, नाम तो समूचा भारत में जानता है। फ्रीडम फाइटर तो थे दादा, वो अपने, वो तो अपने उम्र कैद में है ना। थे बहुत कदावर के नेता, दावर हो। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत लोग कहता है ये बाहुबली का इलाका है, ये दबंग नेता का इलाका है, क्या होता है बाहुबली, क्या होता है दबंग नेता? नहीं, बाहुबली या दबंग, बाहुबली देखिए, दबंग बाहुबली पहले था, अब नहीं है। नहीं नहीं, हम पूछते हैं क्या होता है बाहुबली, लोग ये क्यों नहीं कहता है? मान लीजिए कोई अपराधी होता है, ठीक है, डीएम के, गोपालगंज के डीएम के जो हत्या के केस में ही उम्र कैद गया ना, तो जो अपराधी होता है उसके इलाका को अपराधी का इलाका क्यों नहीं कहते कि ये अपराधी था, ये राजनीति में आ गया, उसका इलाका दबंग और बाहुबली क्यों कहते हैं लोग? स्वस्थ लोग आएगा राजनीति में, अब इतना गंदा राजनीति है कि पंचायत में वार्ड सदस्य में खड़ा होगा, आजकल के युग में वार्ड सदस्य में खड़ा होगा सभ्य आदमी, सुसंस्कृत सुसभ्य आदमी नहीं होगा। राजनीति का वैसा माहौल ही वर्तमान में जा रहा, मतलब सभ्य लोग नहीं आने की स्थिति में, नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे? देख करोड़पति कितना खड़ा हो गया है, 40-42% करोड़पति खड़ा हुआ है ना, तो कहाँ से जाएगा गरीब लोग ऊपर, संभव ही नहीं है। लगता है मुखिया के चुनाव में कितना खर्चा हो जाता होगा? मुखिया आगे बीरेन बाबू कहेंगे हम कैंडिडेट से सटे नहीं है कि कितना खर्चा। ये मुखिया है? नहीं नहीं, आप बताइए, मुखिया के लोकल विधायक का चुनाव हो रहा है, ये बाबाजी कुटी के मैंने कोषाध्यक्ष हैं बाबा जी। अच्छा, आप कोषा नहीं, एक्चुअली असल में हुआ क्या कि हम पूछे मुखिया जी के बारे में, ठीक है, तो सीधे आपका नाम लिए ना, तो हमको लगा कि कहीं ऐसा तो बना है। इन्हीं के रीजन में माधव बाबू सेक्रेटरी थे और ये कोषाध्यक्ष थे। ये मंदिर जो बना है 4 करोड़ लागत का, सो इन्हीं के संरक्षण। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव है ना, तेजस्वी यादव, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? का तो बापे लुटेरा था, बहुत बड़ा लुटेरा का बेटा हो सकता है सज्जन हर आदमी। कम से कम चीफ मिनिस्टर पढ़ा लिखा आदमी यदि बिहार का नहीं होगा, चंदन तिलक मिटाओ, मारो मुंह में थप्पड़, 15 साल से उसी के कहने पर ने ब्राह्मण फरवाड़ इतना मार खाया उससे, और उसी के बेटा को बना देंगे जो लूट लिया। तो कुछ का कहना है, मान लीजिए आप कह रहे हैं आपको लालू यादव की राजनीति पर आपकी आपत्ति है, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट यदि फ्रेश होता, पढ़ा लिखा हुआ होता, तो कहते हैं कुछ पास है, सतमा पास, कोई कहता है सतमा, कोई कहता है नौमा, अंदर मैट्रिक है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि किसी को लालू यादव या राबड़ी देवी के शासन से एक बार बाबू, हाँ, उस कुर्सी पर कहीं तेजस्वी बैठे, एक बार सुन लीजिए फिर हम आएंगे इस बात पे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप तो मौका ही नहीं दिए तेजस्वी को, माता पिता से अगर आपकी आपत्ति है उनके शासन से, तो आप तेजस्वी को क्यों जज कर रहे हैं? मीडिया में काम करते हैं ना, डिक्लेयर कर दीजिएगा बीजेपी और नीतीश का सरकार बरकरार रहेगा, बेकार घूम रहे हैं आप, डायरेक्ट हम न कह दिए जजमेंट, नीतीश और सरकार जो है ना अभी बीजेपी और नीतीश का जदयू का बरकरार रह गया,
जानकार कह रहे हैं कि नीतीश की भाषा थोड़ी चिंतित है, दो दिन पहले रैली कर रहे थे, अब तक तो नीतीश कुमार अपने नाम पर अपने काम पर वोट मांगते थे, लोग कह रहे हैं कि आप मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि ये उनकी असुरक्षा है। मोदी को वोट दे रहे हैं, नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। स्टेट में नीतीश के कंपैरिजन में इक्विवेलेंट में एक नेता नहीं है यहाँ पर। लोगों का कहना है कि नीतीश इस बार जिस तरीके से हर बार अपने कामकाज पे भरोसा दिलाते थे, सात निश्चय योजना की बात करते थे, लड़कियों को साइकिल दिलवाने की बात करते थे, सड़क की बात करते थे, अपराध कम करवाने की बात करते थे, इस बार वो मोदी के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? सब कह रहे हैं कुछ वो मोदी के नाम। नीतीश जी का हालत दयनीय है, समझे? सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, भोजन के बाद स्वास्थ्य चाहिए मनुष्य को, समझे? स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? सदर हॉस्पिटल गए हैं कभी? मैडम कोई नहीं, अब इतना बुजुर्ग आदमी है, रोजगार क्या बिहार में हो रहा है? नया युवक झूठ नहीं बोल रहे मैडम, जाइए चौक चौराहे पे जाइए, कोरेक्स गाजा दारू सब पी के पलटा रहता है, रोजगार नहीं है किसी युवक के पास। इनके पुत्र होंगे, ये पुत्र देखिए वैसे पढ़ लिख के वैसे घूम रहे हैं और कुछ बात नहीं, जाएंगे सड़क पे कोरेक्स गाजा दारू पिएगा, आप नहीं विश्वास है आप पूछ सकते हैं, रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार शर्मा। क्या आपको लगता है कि आपसे पहले की जो पीढ़ियां थी, चाहे वो मेरे पिता आपके पिता हमारे दादा मामा चाचा इन सब की जो पीढ़ियां थी, उन्होंने जिस तरीके से वोट दिया, जिन मुद्दों को लेकर किसी पार्टी को चुना या वोट दिया, वो अस्वस्थ प्रक्रिया थी, उन्होंने गलत किया, इसीलिए हम इस स्थिति में हैं? हाँ, पहले से मैडम मुद्दों की बात नहीं होती है, पहले से कोई भी काम हुआ लाइन से नहीं हुआ, सब बेढंगा जैसा काम हुआ, उल्टा पुल्टा काम हुआ, इसीलिए अब भी देखिए इतना नीचे आ गया रोजगार बिहार के अंदर, सो लड़का लोग सब इधर उधर सब भटक रहा है। अब किसी इतना बोरा ढोता है वो अच्छा है, अभी मार के वहाँ जहाँ जाता है वहाँ मुंबई में मारा जाता है, यहाँ एक जगह और मार के भगाया, सब भाग भाग के आता है, उसको बोलने वाला कोई नहीं। इसके बाद इस नेता लोग को सोचना चाहिए ना, हम बिहार में रोजगार पैदा करेंगे, साला हम यहाँ से जाते हैं बेंगलोर कमाने के लिए, वहाँ 20,000-22,000 मिलता है, अगर यहाँ पे 10,000 मिलेगा बिहार में तो काम करेंगे खुशी से, तो ऐसा रोजगार पैदा कर ही नहीं रहा है। कोई सरकार हो, चाहे RJD हो, चाहे कोई BJP हो, कोई भी सरकार हो, रोजगार का कोई, इन लड़के लोग क्या कर रहा है? यही लड़के लोग कोरेक्स पिएगा, गाजा पिएगा, यहाँ से निकलिएगा, उधर छीनेगा, उधर छोड़ेगा, उधर राइफल चलाए चोरी। दोस्तों वोटर हो क्या तुम? वोटर है, क्या लगता है तुम्हें, क्या फैक्टर आपके लिए, क्या फैक्टर है? मोदी फैक्टर, नीतीश फैक्टर, चिराग फैक्टर, कोई भी नेता बने उससे हमको मतलब नहीं, रोजगार चाहिए बिहार में। आपके लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार चाहिए आपके लिए, स्वास्थ्य और रोजगार भी मुद्दा है, आप लोग भी हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, आप बताइए, युवा करते हैं रोजगार की बातें, है ना, घर ही में रहते हैं सब साथ, पिता दादा ये सब माँ सब रहते हैं साथ, अब हम युवा तो उठाते हैं चौक चौराहे पर बात करते हुए रोजगार की बात, लेकिन जब आप लोगों की पीढ़ी से बात की जाती है तो आप लोग नहीं करते रोजगार की बात, आप लोग नहीं उठाते ये मुद्दा, आपके लिए नहीं है क्या? हम लोग पब्लिक के मारे हुए ही है, 80 में मैट्रिक पास किए थे हम, है 81 में किए थे, हम लोगों का क्या गर्त है? एक सेकंड बात सुनिए, उनका वो टीचर भी है, हम लोग 80 में। आपका नाम क्या है? सुबोध कुमार मिश्रा। माँ कोई बात है, आप पढ़ लिया है तो पढ़ लिए। 80 में हम लोग मैट्रिक किए हैं, लालू राज 15 साल राज किया, ब्राह्मण को नौकरी वैकेंसी ही नहीं निकला, एज एक्सपायर कर गया, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग साथी थे, हम लोग एक साथ मैट्रिक किए हैं। तो अभी आप लोग जब बात करते हैं, जब युवा बात करते हैं, आपने तो कह दिया कि शिक्षा रोजगार, आप लोग बताइए ये युवाओं के मुद्दे हैं क्या अकेले, या ये आप सब के इस पूरी समूची आबादी का मुद्दा है? समूचे समाज का है, जो विकास करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य जो है एकदम दयनीय हालत है। कैसा रहा नीतीश सरकार का कामकाज शिक्षा और स्वास्थ्य में? सड़कों की बातें होती है, बिजली पहुँचने की बात होती है। जब कोरोना हुआ तब को दिमाग आया जो नहीं, शिक्षा जो अच्छी स्वास्थ्य जो है एकदम चरमराया हुआ है, कोरोना नहीं होता तो इतना सुधार नहीं होता, कोरोना के चलते बहुत कुछ सुधार हुआ है। सुधार हुआ है,
हाँ हुआ है कोरोना। आप आपके यहाँ का जो स्थानीय सरकारी अस्पताल है वो कितनी दूरी पर है? यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कैसी स्थिति है वहाँ? स्थिति दयनीय है, स्थिति ठीक है। आप नहीं जानते हैं? यही मेरा सवाल है कि नहीं नहीं मैं जानती हूँ, वो कह रहे थे ना सुधार हुआ है, इसीलिए सब क्या सुधार होगा, ये सब सुधार होने वाला कोई नहीं, कोई नेता वक्ता है ना, वो सब चलने वाला। सरकार बिहार में चेंज हो जाए तो गारंटी राजस्थान ऐसा हो जाएगा, ये भी चमक जाएगा ये बिहार। एक को पकड़ा देता है वो 5 साल काम करता है, इसके बाद कान में तेल दे के सो जाता है। जो हो रहा है होने दो, जो नहीं हो रहा है नहीं। 5 साल के बाद हर एक नेता को चेंज करो, बदलाव हो जाएगा सरकार का। नया आएंगे, नया नया दिमाग लगा के नया नया तरीका अपनाएंगे। एक आदमी को बैठा दिया 15 साल 20 साल, चाहे लालू यादव हो चाहे कोई भी हो, 5 साल राजस्थान में देखिए कितना आगे बढ़ गया है। आपको पता है कितना बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कितना आगे बढ़ गया, क्योंकि 5 साल में वहाँ चेंज होता है। काम किया सही या नहीं किया चेंज करो। ठीक कह रहे हैं। देखिए इससे पहले जो विधायक था यहाँ के, सहरसा नरक बना हुआ है सहरसा, हाँ अरुण यादव, कुछ काम नहीं किया। बरसात के मौसम में आ जाते तो सहरसा पैदल चलने का लायक नहीं है। तो लवली आनंद किसके नाम पर वोट मांग रही है? किसी के नाम पर नहीं, अभी नाम लवली जानन का जो पति है वो तपस्या कर रहा है, जो उसको हम वोट देंगे पति के नाम पर वोट मांग रही है, एकदम उसी का ना चलती है, वही बाहुबली है। बाहुबली है। बाहुबली को कैसे समझे, अपराधी समझे, क्या समझे? हम लोग ये गांव जो है, हम लोग का समाज बाहुबली को वैल्यू नहीं देता, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देते हैं। आप क्या कह रहे थे? राम मंदिर का नाम पे वोट मांग रहा है कौन? लवली आनंद? नहीं बीजेपी, वो बात नहीं, बीजेपी। अच्छा आलोक रंजन झा बीजेपी के प्रति? अभी मैडम कोई भी क्या कह रहे हैं, बस एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले थे राम मंदिर के नाम पे वोट क्यों मांग रहे, रोजगार के नाम पर नहीं मांगना चाहिए? वो मांग रहे हैं। बिहार में अगर रोजगार रहेगा तो दूसरा आदमी कहाँ क्यों जाएगा दूसरा स्टेट? ये मेन मुद्दा है मैडम, रोजगार है मेन मुद्दा। 15 साल हम लोग का एज खा गया पूरा, कोई हो अस्पताल का जो चर्चा हुआ ना, अस्पताल देखिएगा यहाँ से डिस्पेंसरी से शुरू कर लीजिए, देखना सर्वे कर लीजिए डिस्पेंसरी है। हम गए थे ना अस्पताल में, वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर था ना, उसमें कच्ची और कच्चा ये सब सूख रहा था। सबसे पहले तो फर्स्ट एड जाता है ना, किसी को अगर कुछ होता तो सबसे पहले फर्स्ट एड। लोग ये मुद्दा नहीं उठाते हैं, कोई वोट मांगने आता है? यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पे है, देख लीजिए। फिर नेताजी मुलाकात भी देंगे, कोई जीते जीतने के बाद फिर मुलाकात हो देंगे, सब बात करते हैं। अभी सीजन है ठीक है, 15 दिन के बाद फिर का, उसके बाद वो लोग बादशाह हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएगा। डांट रहे हैं, हो गया है बाबा, हो गया है, कर लिए बात बाबा, हो गया बातचीत हो गई है, बातचीत क्या बोलना चाह बाबा बोल रहे थे, उनके शायद मित्र होंगे जिनसे वो बात करवाना चाह रहे होंगे, हमने बात कर लिया है। ये गांव का नाम है बनगांव, बहुत बड़ा गांव है, 3 पंचायतें आती हैं इसके अंतर्गत। एक मांग चल रही है कि 4थी पंचायत भी जोड़ दो, ये आता है सहरसा मेन विधानसभा सीट पर, जहां लवली आनंद राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं। पिछली बार राजद ने ही सीट निकाली और उनके मुकाबले हैं पिछली बार के बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी आलोक रंजन झा। और ये थी हमारी चुनावी बातचीत गाँव में, हिस्ट्री जानी, पॉलिटिक्स जानी, समाज शास्त्र जान लिया, सब पे बात हो गई है ना। देखने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम स्वाति और मेरे साथ मेरे साथी अमितेश।